In today's video, we will discuss question number 8 from chapter Direct and Inverse Proportions and exercise 13.2. So question is, a factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. Okay, how many machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? So question में क्या कह रहा है कि 42 machines जो हैं 42 मशीन जो है प्रोड्यूस करती हैं गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज में, ठीक है। तो 42 मशीन जो है कुछ आर्टिकल्स बनाती हैं 63 डेज में, मतलब किसी एक पूरे सेट जो होता है ना, किसी एक पूरे मशीन का एक छोटा सा पार्ट मान लीजिए, मशीन क्या कहेंगे, किसी भी सामान का एक पार्ट मान लीजिए, मशीन के द्वारा किसी भी सामान का एक पार्ट बन रहा है उसको हम आर्टिकल कह रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो वो कितने 63 डेज में बन रहा है। सो हाउ मैनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब जितने यहाँ पे बने हैं उतने आर्टिकल्स यहाँ पे भी बनेंगे लेकिन 54 डेज में, ठीक है। तो कितने आर्टिकल बन जाएंगे, कितनी मशीनें रिक्वायर होंगी, सॉरी आर्टिकल तो पूछे हैं, आर्टिकल तो उतने ही रहेंगे जितने यहाँ पे थे उतने यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ पे मशीनें चेंज हो जाएंगी, कितनी मशीनें रिक्वायर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन में क्या, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता था, लाइक जितना ए बढ़ता है उतना बी बढ़ता है। लाइक अगर यहाँ पे बोल दिया जाए कि 42 मशीनें हैं, ठीक है, 42 मशीनें हैं और 63 डेज लग रहे हैं, ठीक है, आर्टिकल बनाने में कुछ नंबर ऑफ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल बनाने में 42 मशीनें लग रही हैं और 63 डेज लग रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 43 डेज हो जाए और यहाँ पे जो है 63 से 65 आर्टिकल्स बन जाते हैं और 65 डेज लग जाते हैं, मशीनें बढ़ी और डेज भी बढ़ गए, तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, डायरेक्ट रिलेशन चल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगा देते हैं, ठीक है, जिसमें हमें अच्छे से याद है क्या करते थे, 43 अगर मशीनें बढ़ रही तो डिवाइडेड बाई 65 कर दिया करते थे, इसी के जैसे फिर यहाँ पे एक्स मशीनें बनेंगी तो 54 डेज यहाँ पे इस तरह से कर दिया करते थे, ठीक है, डायरेक्ट में। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन डायरेक्ट का नहीं है, कैसे अभी आपको समझाते हैं। देखिए 42 मशीनें जो हैं 63 डेज ले रही हैं, ठीक है, गिवन नंबर सेम आर्टिकल्स हैं, ठीक है, वही जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि कितनी मशीनें जो है 54 डेज लेंगी, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखिए, 42 मशीनें जो हैं, 42 मशीन एक्स मतलब कुछ मान लेते हैं, 42 मशीनें 10 आर्टिकल बना रही हैं, ठीक है, तो 42 मशीनें 10 आर्टिकल बना रही हैं कितने 63 डेज में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मशीनें बढ़ा दूँ तो फिर मैं यहाँ पे अगर मैं 42 से 43 मशीनें कर दूँ तो यहाँ पर जो है डेज कम हो जाएंगे कि नहीं, ऑब्वियसली कम हो जाएंगे, जब मशीनें बढ़ गई तो काम जल्दी होगा, काम जल्दी होगा तो समय कम लगेगा, मतलब दिन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ दिन कम हो जाएगा, 60 दिन हो गए, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैंने यहाँ पे मशीनें बढ़ाई तो डेज यहाँ पे कम हो रहे हैं, तो ये इनवर्स रिलेशन दिख रही है मुझे, ठीक है, मशीनें बढ़ी डेज रिड्यूस हो गए, ठीक है, अपोजिट आ रहा है। डायरेक्ट में क्या होता था, एक साथ चलते थे, जितना ये बढ़ा उतना ये बढ़ा, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह से हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में करते थे उसी तरह से ही चीज़ें बदल देनी बस थोड़ी सी, बाकी रिजल्ट ईजीली आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या था, 43 मशीनें 65 डेज में, 42 मशीनें इस तरह से बोला था, वहाँ पे डिवाइड होता था, अब यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका अपोजिट, 42 डेज में 42 मशीन जो है 63 डेज में बना रही है, ओके, तो एक्स मशीनें 54 डेज में बनाएंगी, ठीक है, अपोजिट कर दिया, वहाँ पे डिवाइड होता था डायरेक्ट में या इनवर्स है तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंपली यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, ओके, स्टार्ट करते हैं 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, ओके,
ये तो 3 से जाएगा, 3 7 21, 3 9 के 9 का इससे चला जाएगा, कितने टाइम पे जाएगा ये, कितना, 7 टाइम में चला गया। ओके, 7 7 49। तो यहाँ पर 49 मशीन्स वुड बी रिक्वायर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। होप सो आपको आज का ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।